फाइनली आ जाता है षष्ठी। आफ्टर महालया डे टू डे थ्री डे फोर डे फाइव मतलब द्वितीया तृतीया चतुर्थी एंड पंचमी ये सब ऐसे ही बीत जाता है पैंडल डेकोरेशन में लाइटिंग्स में ये सब काम में ये दिन कुछ जल्दी जल्दी बीत जाते हैं और फाइनली आ जाता है षष्ठी मतलब डे सिक्स। सो रात को 12 बजे हम लोग लगभग कोलकाता पहुंच चुके थे क्योंकि हम लोग के यहाँ से कम एक घंटा हम लोग को राइड करना पड़ा कोलकाता पहुंचने के लिए। और उस दिन बिल्कुल यही टी शर्ट पहन के मैं वहाँ पे फाइनली पहुंच चुका था। रात को सिर्फ हम लोग नहीं हम लोग की तरह बहुत सारे और भी लोग थे जो वैसे ही हम लोग की तरह नाइट में पूजो देखने निकल पड़े थे। पंद्रह बीस मिनट बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे हमारा फर्स्ट पूजा विजिट करने के लिए। अगर आप दुर्गा पूजा पे कोलकाता पे अगर अपना कार या फिर बाइक लेके अगर पूजा विजिट करने आते हो तो भैया सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा वो होगा पार्किंग का। वैसे हम लोग को भी हुआ तो फाइनली बहुत ढूंढ के हम लोगों ने एक पार्किंग खोजा और वहाँ पे अपना बाइक पार्क करके हम लोग चले पैंडल हॉपिंग करने। Yeah.
फिर हम लोग वहाँ से निकल चुके थे नेक्स्ट पूजा देखने। जब हम लोग निकले थे रात को 10:30 के बाद, तब से पूरा रास्ता रिकू मुझे ऐसे चिढ़ा रहा था, हेलो गाइस, हाय गाइस, प्लीज सब्सक्राइब। मतलब मैं एज एन यूट्यूबर ऐसा बोलता हूँ तो वो मुझे बस खींच रहा था और कुछ नहीं। बहुत टाइम से मैं बहुत खामोश था, कुछ नहीं बोल रहा था, एक लफ्ज़ भी मैंने नहीं कहा पूरा रास्ते में। फिर देखो मैंने क्या किया। अब क्या बोलना है बोलो। ये फंस गया सी है। क्या बोलो अभी? अभी बोलो, कैमरा ऑन है? नहीं नहीं बोलो बोलो। अभी मेरा तबीयत खराब है। क्या हुआ? अभी तबीयत खराब है बोलो। एक्चुअली तब हम लोग बुर्ज खलीफा के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, तो फाइनली हम लोग निकल गए श्रीभूमि, मतलब बुर्ज खलीफा जहाँ पे हुआ था वहाँ पे। सच में मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था, तो मतलब हम लोगों को वहाँ पे पार्किंग बिल्कुल नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी नहीं। फिर बहुत ढूंढ ढांड के इधर उधर करके हम लोग फाइनली एक पार्किंग वहाँ पे जुगाड़ कर लिया। तो वो जगह हम लोग इसी वजह से चूज़ किए क्योंकि बगल में पुलिस वाला था, उन लोगों का ड्यूटी था दुर्गा पूजा में, तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि चलो यार हम लोग का जो बाइक है वो सेफ रहेगा एटलीस्ट। और भैया फाइनली हमने देख लिया बुर्ज खलीफा। एक्चुअली फुटेज में जो आप देखे हो इससे कई ज़्यादा लाइटिंग डेकोरेशन और डिज़ाइन और लाइटिंग इफेक्ट्स बुर्ज खलीफा पे थे, लेकिन कुछ शायद ऑब्जेक्शंस के कारण ये सारा चीज़ बंद था उस वक्त, तो हम उतना सारा इफेक्ट्स और उतना सारा लाइटिंग नहीं देख पाए। तो उसके बाद हम लोग फिर चले अपना नेक्स्ट पूजो विजिट करने। I'm offended.
सो भाई घड़ी पे बजा था 4:20 सुबह और हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे उस टाइम पे और हम लोगों को जाना था घर। ऐसे ही मस्ती मजाक में, लेकिन हर टाइम पे रिकू बोल रहा था कि मुझे ब्लॉग करना है, मुझे ब्लॉग करना है, मुझे ब्लॉग वीडियो शूट करना है। तो फाइनली उसके हाथ मैंने दे दिया अपना फ़ोन और बोला कि ले अब तू कर जो चाहे तो शूट कर। तो देखो अंत में क्या शूट किया मेरे भाई ने। मिनट दे, चल रिकॉर्ड चलू। हाय माई फ्रेंड, दिस इज स्कूटी। भाभी जी मेकअप धोता है, चाय के दुकान, चाय चाचा, दिस इज चाय चाचा। चाचा चाय दे रहे हैं हम लोग को। ये है चाय चाचा। ये है वो वायदा, पहले था हीरो, अभी बन गया पिताजी, गुड आदमी। No, God, please, no, no, no! वो है लाल बाल, पाटिल पाटिल सामने जा सामने। ये है पागल, ये क्या ऑफ कर दे रखे? अच्छा ये की ओ ऑटो में पानी ऑफ है, नहीं ऑन है, ऑन है, कंटिन्यू करो, तू कंटिन्यू करो। मार कर, ए चाय लो बंद हो, बंद हो YouTube, बंद हो। अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो पे कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ 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 अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।